गया, अब सब हम एक है। मैंने कहा चुनाव हो गया, हम सब एक है। तो भैया भारत की राजनीति में भलाई वलाई का जमाना है नहीं। मेरठ की तस्वीर इस बार मीडिया की न्यूज का हिस्सा बनी है। कारण ये है कि यहाँ पर एक नेताजी हीरो बनने के चक्कर में विजयी प्रत्याशी पर थप्पड़ चला रहे थे। हालत ये हुई कि उन पर थप्पड़ों की बरसात हो गई। तो कथा और कहानी का मुख्य सार तो ये था, अब पूरी कथा सुनिए। हुआ ये कि मेरठ की नगर निगम चुनाव में कंकरखेड़ा से बीजेपी के सतीश प्रजापति चुनाव जीत कर अपना विजय जुलूस निकाल रहे थे। विजय जुलूस में सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे थे, झंडा, मंच, माइक, मनुष्य सबका इंतजाम था। विजय जुलूस निकलने लगा तो इलाके में तमाम लोगों से मुलाकात की। कंकरखेड़ा के इलाके में घूम ही रहे थे कि रास्ते में अपने चुनावी प्रतिद्वंदी बीएसपी के नेता सुशील पाल का घर आ गया। सतीश प्रजापति ने भलमनसाहत में कहा कि चलो ठीक है, चुनाव हुआ तो हुआ, बड़े भाई हैं, पहुंचते हैं, माफी मांगते हैं कि तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़ा, अब हम सब साथ हैं, मिलकर जनता का विकास करेंगे। लेकिन सुशील पाल हार से नाराज थे। घर में समर्थकों के साथ आए सतीश प्रजापति को हाथ मिलाते ही थप्पड़ मार दिया, गले मिलने का लिहाज तक नहीं किया और थप्पड़ बरसने लगा। सतीश प्रजापति फिर भी मुस्कुराते हुए बोलने लगे, भाई ऐसा है, अब तक चुनाव हुआ तो हुआ, अब हम सब एक है, मिलकर काम करेंगे। लेकिन सुशील पाल ऐसे नाराज हुए कि उनसे बहस करने लगे, लेकिन ये बात नेताजी फिर भी सुन लिए। समर्थकों को कहां बर्दाश्त थी। पीछे से एक समर्थक ने जड़ा तमाचा और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों से बहुजन समाज पार्टी के इस नेता पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। अब यह पूरी तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर वायरल है। लोगों ने यह कहा है कि राजनीति में इस तरह के शिष्टाचार की जगह नहीं है। लद गया वो जमाना जब अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव एक दूसरे को गुरु और शिष्य कहते थे। अब ये सब बात कागजी किताबों में है, राजनीति में तो ऐसा ही होता है कि देखने वाले एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। सामने चुनाव लड़ने वाले को अगर कोई मिल जाए तो इसी तरह की स्थितियां बनती हैं। पता नहीं क्यों मेरठ के नेताजी इस तरह से अपने विरोधी के घर पहुंच गए और थप्पड़ थप्पड़ में बड़ा बड़ा गेम हो गया। जली कोठी क्षेत्र में निवर्तमान पार्षद और नया निर्वाचित पार्षद के समर्थकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इस दौरान दोनों लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। वीडियो इसका बना हुआ है, उस आधार पर लोगों को चिन्हित किया गया और 13 लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और लगातार दबिश दी जा रही है। जल्दी ही लोगों की जो इसमें शामिल रहे हैं गिरफ्तारी की जाएगी। पूछताछ में ये चीज़ प्रकाश में आया कि विजयी प्रत्याशी मिठाई बांट रहे थे, इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति की, इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। अब इंटरनेट मीडिया पर मेरठ की इस घटना की फजीहत हो रही है। बहुजन समाज पार्टी के नेताजी को खूब तरीके की संवेदनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के नेता ने शिष्टाचार दिखाया तो उसका सम्मान होना चाहिए था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।